मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। व्लॉग बनाने से पहले दोस्तों मैं बताऊं, अभी मेरी ये बाइक पीछे फिसल गई है, देखिए ये चोट लग गई और थोड़ा सा ये घुटने में भी लगी है। खैर बाइक को तो कुछ नहीं हुआ, पर ये मेरी उंगली खून निकल गया है। ये पीछे बारिश हो रही है दोस्तों, तो हल्की हल्की छिटा छाटी की वजह से सड़क गीली है। वो तो अच्छा मैंने हेलमेट पहन रखा था तो बच गया मैं। बाकी खैर बाइक को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, बस ये थोड़ी सी चोट लग गई है उंगली में। चलिए चलते हैं दोस्तों हटके की तरफ, बाकी आगे का ब्लॉग वहीं से बनाएंगे, क्योंकि हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। हेलो दोस्तों, रुक गए हम ऊपर वाले बैंड पर जहां से हल्द्वानी दिखाई देता है, वहां रुक गए हैं, क्योंकि ब्लड ये देखिए आप कुछ ज्यादा ही निकल रहा है उंगली में से, दर्द हो रहा है इसमें तो, और गाड़ी भी हीट हो रही थी तो मैंने कहा रुक जाता हूं थोड़ा सा। गोला घुटने में भी लग गई है, पूरी स्लिप हो गई थी गाड़ी। वो तो मैं कम स्पीड में था तो गाड़ी को नुकसान नहीं हुआ और ना ही ज्यादा मेरे को लगी, बस ये उंगली और घुटना छिला है बस। आई होप कि ये वाला व्लॉग मेरा घर मेरे मम्मी या मेरा बेटा ना देखे तो ठीक है। दर्द हो रहा है इसमें, ये ब्लड निकलता ही जा रहा है इसमें, पर क्या करें, काम भी करना ही है दोस्तों, ड्यूटी तो जानी है। वेलकम बैक दोस्तों, पहुंच गया हूं मैं हटके, और हटके मैंने ओपन कर लिया है, और आते ही मैंने सबसे पहले चोट पर हल्दी लगाई। दर्द हो रहा है फिर भी, हल्दी से तो और चिचराहट हो रही है हाथ में। कोई बात नहीं दोस्तों, अब काम करना है तो चोट चपेट सब तो झेलनी पड़ेगी, पर बहुत टाइम बाद मैंने अपना खून देखा है दोस्तों निकलता हुआ, बहुत समय बाद कुछ ऐसा हुआ है। एकदम लगा लीजिए, मैं तो बहुत धीरे स्पीड में चलानी हुई गाड़ी, वैसे भी पिस्टल पड़ा भी नया, बहुत धीरे धीरे चल रहा था। जैसे कि बैंड आया, मोड़ आया, तो मोड़ पे बारिश की वजह से थोड़ी सड़क गीली हो गई थी, जैसे मोड़ पे मोड़ी है मैंने हल्के से, तुरंत गाड़ी फिसल गई। मेरा थोड़ा जूता भी फट गया है और उंगली भी। पर कोई बात नहीं दोस्तों, ये तो होता रहता है। और देखिए हवा देख सकते हैं आप पीछे कैसी हवा चल रही है, बहुत तेज हवा है आज, और मौसम भी ठंडा ही है, बारिश जैसा मौसम हो रहा है। मैं सामने का आपका व्यू दिखाता हूँ आज कितना बढ़िया हो रहा है, नैनीताल का व्यू। नैनीताल ऐसा लग रहा है जैसे कि बर्फ गिर गई हो नैनीताल के ऊपर वाली चोटियों पर, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये नैनीताल की ऊपर वाली वो है पहाड़ है, चोटी है, जहाँ बर्फ गिरी जैसे लग रही थी, बर्फ गिरी गई है दिख रही है बर्फ। और ये देखिए फरवरी के लास्ट में यह हाल हो रहा है, फरवरी के लास्ट में बर्फ गिर रही है। अब की बात तो सीजन बहुत लेट हो गया, पहले तो बर्फ गिरी नहीं और अब गिर रही है। बाल को ठीक कर लेता हूँ क्योंकि हवा के वजह से कहीं फट ना जाए पूरा, पहले भी इसमें 3-4 तिरपाल फट चुके हैं और ये चौथा पांचवा अतरपाल है, इसकी भी हालत ऐसी ही हो रही है। और हवा देखें आप, देखिए जैसे तैसे तिरपाल को रोक तो दिया है, पर हवा इसे ज़्यादा देर तक टिकने नहीं देगी, ऊपर से अगर रस्सी पड़ जाती तो कुछ ठीक हो जाता, पर ये पैराशूट की तरह ही हो रखा है अभी। हवा बहुत तेज है दोस्तों, बहुत तेज हवा चल रही है और मौसम बिल्कुल ठंडा मौसम हो रहा है बिल्कुल। तो काम नहीं है तो ये आ गए और यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं, और मुझे कीपर रखा है, और मेरे लग रही चोट मैं तो खेल नहीं पाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, ये गांव के बालक यहाँ क्रिकेट खेलते हुए,
मन तो मेरा भी बहुत था, पर पता ही है आपको कि सुबह ये सब फूट गया मामला, घुटना भी फूट गया, उंगली भी छिल गई पूरी, तो कैसे करता। शॉट ये देखिए दोस्तों, वाइट बॉल, कभी मुझसे अंपायरिंग करा रहे हैं, कभी कीपरिंग करा रहे हैं, और ये है राणा व्लॉग्स। ये जो बॉलर है ये फास्ट बॉलर बनने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि फास्ट बॉलिंग कैसे कराई जाए, क्योंकि इनकी उम्र में तो हम भी खेलते ही थे दोस्तों क्रिकेट। तो इनसे मैंने कहा है कि जब स्पिन कराते हो तो स्पिन ही कराया करो, वो ज़्यादा अच्छा है, उसमें मेहनत भी कम है। देखिए इनका एक्शन, देखिए ये है इनका एक्शन, बुमराह वाला ब्लॉक्स का शॉट, काफी अच्छा शॉट। ये लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, इनका भी व्लॉग चैनल है राणा व्लॉग्स करके, और अब इनकी बैटिंग आई है, इन्होंने आउट कर दिया, उन्हें कैच आउट करा। ये देखिए राणा व्लॉग्स, ये शॉट गई बॉल, क्रिकेट खत्म दोस्तों, बॉल गई नीचे जंगल में, बॉल खो दी है, और बॉल ढूंढते हुए दो जासूस, दो खिलाड़ी। अब बॉल कहाँ मिलती है बहुत मुश्किल है, क्योंकि राणा जी ने शॉट ऐसा मारा कि बॉल गई नीचे खेतों में, और वहाँ खेत में बालियाँ वगैरह है, मतलब गेहूँ उग रहा है, तो मुश्किल है वहाँ मिल जाना। You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, and the gun down. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. It's like the bullet fly, I'm the last one to die. ये देखिए दोस्तों रेनबो, कितना प्यारा लग रहा है ये रेनबो। डार्क नहीं है ज्यादा, पर मैं आपको करीब से जाके दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों नीचे से निकल रहा है ये रेनबो, और ऊपर का तो गायब हो गया है, धूप निकल गई है, पर ये नीचे का दिख रहा है।